यदि है समय अभाव या धनाभाव कारण जो भी हो नहीं ले पा रहे हैं अगर उत्कर्ष में प्रवेश तो आज ही इंस्टॉल करें उत्कर्ष ऐप शुल्क है नाम मात्र ऑनलाइन कोर्सेज का है सबसे बड़ा पात्र उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज के यूनिक फीचर्स जिनके कारण उत्कर्ष ऐप हमेशा ट्रेंडिंग में बना रहता है लाइव चैट सपोर्ट Topic-wise video lectures. Topic wise test and quizzes. Model test papers. Online doubt clearing sessions. Ebooks and PDF. Create self-tests. Audio lectures. Create flash card. Add YouTube videos. Add web links. Highlight options. उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे बड़ी विशेषता उत्कर्ष की ऑफलाइन कक्षाओं को ही क्लासरूम से सीधे लाइव किया जाता है तथा लाइव क्लास समाप्त होने के बाद भी उस क्लास के वीडियोस को आप एक वर्ष तक कभी भी भी व कितनी बार भी देख सकते हैं अब आपका उत्कर्ष आपके साथ कहीं भी कभी भी इंस्टॉल नाउ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल एप स्टोर नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे मेरे दोस्तों हाँ, आ जाइए जाइए सभी सभी की सभी जुड़ मेरे साथ में आप सभी का दिन मंगल में हो दोस्तों और आइए आपकी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों मदन लाल जी ममता जी वंदना जी किशोर जी राजकुमार जी जसमीत जी सुशील जी महादेव का लाडला आ चुका है मनोहर जी हाँ, आर ट्रेंडिंग जी गौरव कुमार जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी जग करके आ चुके होंगे और हाँ अपने ज्ञान को अपडेट करने के साथ में गुरु मंत्र जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों आपका प्यार स्नेह और विश्वास देखिए आज हमें क्या करने पर मजबूर कर रहा है दोस्तों देख लीजिए बिल्कुल साढ़े बजे हम आ चुके हैं और हमारी टेक्निकल टीम भी पांच बजे से आपका इंतजार कर रही है कि दिल से दिल तक की क्लास स्टार्ट कीजिए तो दोस्तों बिल्कुल जुड़ जाइए मैं आ चुका आपके बीच में अपने ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ जाइए मेरे दोस्तों क्योंकि अब की बार बर्दी का सपना हमें पूरा करना है दोस्तों बिल्कुल जीतने के लिए आए हैं जीत कर ही वापस जाएंगे इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे कि हार को भी हार से शर्म आ जाए तो आइए दोस्तों बिल्कुल रजाइयों से बाहर निकल आइए नोटबुक पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जो आज हमारे लिए चर्चा का विषय बन गई हैं और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों जब दस सवाल खत्म कर दूंगा तब लेकर आऊंगा आज का गुरु मंत्र और याद रखना मेरा उद्देश्य गुरु मंत्र का केवल एक यही है कि आपका जो स्टेटिक वाला पोर्सन है उसको आपको क्लास में पंद्रह मिनट ही याद करा दू तो आइए पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां तीन मार्च को बनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस राज्यसभा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पेश संसदीय समितियों की बैठकों से अनुपस्थित रहे सांसदों पर राज्यसभा सभापति ने जताई चिंता अब यात्री उड़ान के दौरान कर सकेंगे इंटरनेट का उपयोग एक से सात मार्च तक मनाया जा रहा है जन औषधि सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कोविड 19 के नब्बे हजार से ज्यादा मामलों की पुष्टि की वर्षाना होली रंगोत्सव मथुरा क्षेत्र से शुरू लोकसभा में बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक पेश टोक्यो ओलंपिक पर मंडरा रहा है कोरोना वायरस का खतरा एफ द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर और देखिए मेरे दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और केवल ऊर्जावान ही नहीं मेरे दोस्तों आपके दिन को मंगलमय बनाने के लिए और आपके भविष्य की नींव को मजबूत करने के लिए देखिए आ चुका है आपका मोटिवेशनल कोट जीवन एक अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है जीवन एक अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है अब आप पर निर्भर करता है अब आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या चम्मच मेरे दोस्तों कहने का मतलब समझिए कि जीवन क्या है अपार संभावना है यह आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हुए हैं या फिर आप चम्मच लेकर के खड़े हुए याद रखना मेरे दोस्तों हाँ जो बाल्टी है जो बाल्टी है मेरे प्यारे दोस्तों जो बाल्टी है ना और चम्मच है इसका कहने का मतलब केवल इतना सा है कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है ये आप पर निर्भर करता है हाँ मेरे दोस्तों लक्ष्य बहुत है एक के बाद एक सीढ़िया होती है और आप क्या कीजिए लक्ष्य बहुत है एक के बाद एक सीढ़िया होती है अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी संभावनाओं के लिए खड़े हुए तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों अब की बार अपना लक्ष्य तैयार कर चुके हैं हम अब पूरी कोश करेंगे उस लक्ष्य को पाने की और मेरे साथ ध्यान रखना एक बात आप सभी ये जो क्लास है वो दिल से दिल तक की क्लास है और एकमात्र आपकी सफलता है और मुझे उम्मीद है कि मुझे सफलता चाहिए और हाँ हम सफलता लेकर रहेंगे हम दोस्तों सफलता जरूर लेकर रहेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है यह दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों पहला ही सवाल है और पहला सीधा लक्ष्य को वार करने वाला है पहला सवाल सीधा लक्ष्य पर वार करने वाला है विश्व वन्य जीव दिवस और मेरे दोस्तों बताइए कब बनाते हैं आप सभी जानते हो कल तीन मार्च को बनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस अब मुझे आप एक बात बताइए यह स्टार्ट कब हुआ तो बालकों यह शुरुआत होती है इसकी कब से 2014 से कब से स्टार्ट होता है 2014 से प्रारंभ होता है विश्व वन्य जीव दिवस और आप यह बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है धरती पर सभी जीवों का संरक्षण क्या है बालकों धरती पर सभी जीवों का संरक्षण ये क्या है इसकी? ये इसकी ये थीम है। धरती पर सभी जीवों का संरक्षण तो पहला सवाल क्या है पहला सवाल है कि कब बनाते हैं तो बालकों बनाते हैं कब तीन मार्च को बनाते हैं स्टार्ट कब से हुआ ये स्टार्ट हुआ 2000 चौदह से और इसका उद्देश्य क्या है इसकी थीम क्या है धरती पर सभी जीवों का संरक्षण इसकी थीम है। अब अब देखिए, वक्त 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 को वक्त दो वक्त आपका वक्त बदल देगा। बिल्कुल सही बात है अब देखिए विश्व वन्य जीव दिवस से एक अधिनियम याद आ रहा है हमें और वो अधिनियम कौन सा है वो अधिनियम है विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आप मुझे बताइए ये वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है ये कब आया था तो मेरे बाल को यह आया था उन्नीस के अंदर कब आया था उन्नीस तो याद रखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट कब आया तो बाल को यह आया 1972 के अंदर और विश्व वन्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको पता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा लेकर आया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और एकमात्र उद्देश्य है जो वन्य जीव है हमारा उनका हम संरक्षण कर सके और उनका जो शिकार है उसे हम कम कर सके तो याद रखना पहला क्वेश्चन शुरुआत होती है 2014 में धरती पर सभी जीवों का संरक्षण इसका उद्देश्य है और मेरे दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर भारत में आया था अब आइए दूसरे सवाल पर और देखते हैं दूसरा क्या सवाल है हाल ही में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक दो को उच्च सदन में रखा गया है इस विधेयक में कितने संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात कही गई है तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि तीन संस्था है कितने संस्था है तीन संस्था है और वो तीन संस्था कौन से है दोस्तों वो तीन संस्था है जो संस्कृत की संस्था है उन्हें क्या कर दिया गया है उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है अब देखिए आप मेरे साथ पर पेश हुआ ये विधेयक उच्च सदन में और आप जानते हो उच्च सदन कौन सा है भारत का राज्यसभा कौन सा है दोस्तों राज्यसभा है और आप यह भी जानते हो कि राज्यसभा के सभापति कौन है तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति भाई साहब और ये भाई साहब कौन है वर्तमान में ये है वेंकैया नायडू कौन है बालकों वेंकैया नायडू है तो देखिए उच्च सदन में पेश किया गया है कौन सा विधेयक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक मैं आपको यहां पर यह बता दूं दोस्तों कि याद रखना यह जो विधेयक है वो लोकसभा से पारित हो चुका है लोकसभा से पास हो चुका है यह विधेयक टाइगर रिजर्व कब प्रारंभ हुआ 1973 में जब उन्नीस का अधिनियम आता है तो उसके बाद में टाइगर रिजर्व स्टार्ट होते हैं उन्नीस के अंदर से अब देखिए लोकसभा से यह विधेयक पास हो चुका है और लोकसभा के अंदर सभापति स्पीकर कौन है दोस्तों ओम बिड़ला है कौन है ओम बिड़ला है और आप जानते हो राजस्थानी मूल के पहले स्पीकर है कौन ओम बिड़ला जो रज, जो लोकसभा के क्या है दोस्तों? है दोस्तों स्पीकर अब आइए अपने सवाल के ऊपर और वह सवाल क्या है कि वह कौन कौन से संस्थान है जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है तो मेरे दोस्तों वो कितनी संस्थान है वो तीन संस्थान है अब देखिए उन तीन का नाम क्या है तो दोस्तों देखिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान पहली का नाम क्या है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आप साथ की साथ में नोट करते चलना दोस्तों ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 1970 में स्थापना होती है और कहां पर है 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 दिल्ली के अंदर है। दूसरी संस्थान लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ और मेरे दोस्तों इसकी स्थापना होती है उन्नीस में और यह हेडक्वार्टर कहां पर है दिल्ली के अंदर है और तीसरी कौन सी है तीसरी है दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृत विद्या पीठ और ये 1961 में इसकी स्थापना होती है और तिरुपति आंध्र प्रदेश में क्या है बालकों इसका हेड क्वार्टर है तो देखिए तीन संस्थान हो चुकी है एक तो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो दिल्ली के अंदर है 1970 में इसकी स्थापना होती है दूसरे है लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली के अंदर है उन्नीस में इसकी स्थापना होती है और तीसरी है बालकों राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो तिरुपति आंध्र प्रदेश है और 1961 में इसकी स्थापना होती है अब देखिए, यह विधेयक किसने पेश किया मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मेरे दोस्तों यह मंत्रालय किसके अधीन है यह मंत्रालय है रमेश पोखरियाल निशंक किसके अधीन है रमेश पोखरियाल निशंक तो याद रखना आप यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी बार एग्जाम के हिसाब से मेरे जिन भी साथियों का मेरे जिन भी साथियों का एस एस सी सी जी एल का एग्जाम चल रहा है मेरे एक साथी ने कमेंट करके मुझे बताया था कि सर सात से आठ क्वेश्चन आपकी क्लास से पढ़ गए थे मैं आपसे फिर कह रहा हूं जो भी साथी एग्जाम दे रहे हैं आप करंट अफेयर्स पर इस वाले मुद्दे पर ध्यान दें और केवल आप ही सुबह जो क्लास लग रही है इसको आप पढ़ लें चिंता ना करें पेपर की तो आप पक्का ही उड़ा करके आओगे बस खुद पर विश्वास रखना और याद रखना दोस्तों जो काम आप नहीं कर सकते वो कोई नहीं कर सकता आप ही हो इस दुनिया में जो एक नया काम कर सकते हो और अपनी अपने सपने को पूरा कर सकते हो तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं देखते क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? हाल ही में राज्यसभा के सभापति ने स्थाई समिति के सदस्यों की मीटिंग में उपस्थिति पर चिंता जताई है निम्न में से कौन सी स्थाई समिति के सभी सदस्य लोकसभा के ही सदस्य है क्वेश्चन नंबर तीन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन था करंट का क्या था केवल करंट का था लेकिन हमारी टीम ने उसे क्या कर दिया हमारी टीम ने उसे पॉलिटिकल साइंस का बना दिया किसका कर दिया दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का बना दिया तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के अध्यक्ष कभी भी मंत्री नहीं होंगे इनका अध्यक्ष कौन होता है अगर यह समिति लोकसभा के अधीन है तो इसका अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होगा दोस्तों तो अगर यह समिति राज्यसभा के अधीन है तो इसका जो अध्यक्ष है वो सभापति होगा कौन होगा सभापति होगा मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कौन अध्यक्ष नहीं होगा इसका इसका अध्यक्ष ध्यान रखना मंत्री नहीं होगा तो मेरे दोस्तों याद रखना इसका जो अध्यक्ष है वो मंत्री नहीं होगा टेक्निकल टीम एक बार चेक कर ले बफरिंग तो नहीं हो रही है ना तो इसका जो अध्यक्ष है वो कभी भी मंत्री नहीं होगा इसका अध्यक्ष कौन होगा तो लोकसभा में स्पीकर होगा और राज्यसभा में सभापति होगा अब देखिए संसदीय समिति आप ध्यान रखना दो संसदीय समिति बड़ी महत्वपूर्ण है प्राकलन समिति कौन सी है दोस्तों प्राकलन समिति और याद रखना इसके अंदर तीस सदस्य हैं। कितने सदस्य है इसके अंदर तीस सदस्य हैं। और ये तीस की तीस आपसे पूछ ले कहां से है तो ध्यान रखना दोस्तों लोकसभा से है कहां से है लोकसभा से है ये तीस के तीस सदस्य है अब आइए साथ में दूसरी कौन सी समिति है दूसरी है लोक लेखा समिति कौन सी है दोस्तों लोक लेखा समिति और याद रखना इस समिति के अंदर बाईस सदस्य होते हैं कितने होते हैं दोस्तों बाईस होते हैं जिसमें से 15 तो होते हैं लोकसभा से और सात होते हैं किससे सात होते हैं राज्यसभा से देखिए देखिए प्राक्कलन समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं तीस सदस्य होते हैं तीस 30 30 लोकसभा से होते हैं और याद रखना जो लोकलेखा समिति है इसके अंदर बाईस सदस्य होते हैं बाईस में से पंद्रह लोकसभा से होते हैं, से होते हैं। और सात राज्यसभा से होते हैं यह है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर एग्जाम के अंदर और आपको यह सवाल आज से लड्डू लगने वाला है कैसा लड्डू जैसा लगेगा दोस्तों यह सवाल याद रखना यह सवाल घूम करके आएगा आपके सामने पर एक बात याद रखना इस सवाल को सही करना एकमात्र उद्देश्य है तो प्राकलन समिति तीस सदस्य है और लोकलेखा समिति के बाईस सदस्य है हमारा सवाल कह रहा है कि सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं तो ऐसी कौन सी है ऐसी है प्राकलन समिति इसके अंदर सदस्य है लोकलेखा समिति के अंदर बाईस सदस्य है और सार्वजनिक उपक्रम समिति मेरे दोस्तों इसके अंदर भी कितने हैं इसके अंदर भी बाईस है जिसमें से पंद्रह लोकसभा के हैं और सात किसके हैं सात राज्यसभा के हैं तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ए और आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है मेरे दोस्तों आपकी पॉलिटी बड़ी बेहतरीन है मैंने देख लिया है आपको ना तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन नियमों में बदलाव किया है ताकि यात्रियों को ऑन फ्लाइट वाईफाई की सुविधा प्राप्त हो सके याद रखना मेरे दोस्तों याद रखना दोस्तों हा बफरिंग तो नहीं हो रही टेक्निकल टीम एक बार दोबारा देख लेना हाँ ये कमेंट सारे वापिस आ रहे हैं देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है आपसे क्या कि आपको उड़ान के दौरान क्या मिलने वाली है उड़ान के दौरान आपको मिलने वाली है दोस्तों क्या की सुविधा सोचिए क्या कमाल होगा वो है ना क्या कमाल होगा आपको उड़ान में क्या मिलेगा इंटरनेट मिल सकता है और जब इंटरनेट मिलेगा तो आप जानते हो इंटरनेट का आप क्या करोगे सुबह की क्लास देखने में उपयोग में ले गए तो देखिए दोस्तों कह क्या रहा है नागरिक आइए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहली बात तो मुझे बताइए इसके मंत्री कौन है तो इसके मंत्री है दोस्तों पुरी कौन है हरिदेव पुरी तो याद रखना इसके मंत्री कौन है तो हरिदीप पुरी इसके मंत्री है अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि किन नियमों में बदलाव किया है ताकि यात्रियों को ऑन फ्लाइट वाई फाई की सुविधा मिल सके याद रखना दोस्तों एक अधिनियम है जिसका एक नियम है जिसका नाम क्या है एयरक्राफ्ट नियम 1937 कौन सा है बालकों एयरक्राफ्ट नियम 1937 इसमें क्या कर दिया इसमें बदलाव किया है और वो बदलाव क्या किया है इसमें यह लिखा गया है कि अगर कि अगर पायलट चाहेगा अगर पायलट चाहेगा तो वो जो यात्री है उन्हें क्या दे सकता है उन्हें इंटरनेट उपलब्ध कराएगा और मेरे बाल को यह इंटरनेट किससे मिलेगा यह इंटरनेट मिलेगा बाईफाई से किससे मिलेगा बाईफाई से मिलेगा इंटरनेट तो फिर सुनिए एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट नियम 1937 में एक बदलाव किया गया है और बदलाव क्या कहता है है कि पायलट अगर चाहता है पायलट अगर चाहता है तो वो यात्रियों को वाईफाई के द्वारा इंटरनेट दे सकता है लेकिन याद रखना कुछ हैं इसके अंदर पहली शर्त है कि ये केवल घरेलू विमान के अंदर ही लागू होगा किसके अंदर लागू होगा हाँ केवल इंडिया के अंदर ही लागू होगा और दूसरा दोस्तों याद रखना हा विमान लैंड करते समय विमान लैंड करते समय यह लागू नहीं होगा मतलब कि लैंडिंग के समय आपको इंटरनेट नहीं उपलब्ध होगा और मेरे दोस्तों आपको अपना फोन, फोन एरोप्लेन मोड पर करना ही होगा याद रखना आपको खुद के मोबाइल से नहीं चलाना है आपके खुद के मोबाइल से नहीं चलाना है आपको किससे चलाना है आपको जो एरोप्लेन का जो वाईफाई है दोस्तों उससे समय उससे आपको चलाना है तो देखिए एयरक्राफ्ट नियम 1937 में चेंज हुआ है और वो चेंज क्या है कि पायलट अगर चाहेगा तो यात्रियों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगा और मेरे दोस्तों इंटरनेट का मतलब क्या वाईफाई के द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराएगा लेकिन लैंड करते समय इंटरनेट नहीं मिलेगा और केवल घरेलू विमान के अंदर मिलेगा और आपको अपना फोन आपको अपना अपना फोन क्या करना पड़ेगा दोस्तों एरोप्लेन मोड पर रखना होगा तो याद रखना इसका आंसर क्या है इसका आंसर है एयरक्राफ्ट नियम 1937 और एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कौन सी योजना है उड़ान योजना कौन सी योजना है दोस्तों उड़ान योजना आपको याद होगा इस योजना के बारे में उड़े देश का आम नागरिक क्या है दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक मतलब कि जो विमान है उसमें आम नागरिक भी सफर कर सके इसलिए क्या किया गया है दोस्तों एक योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है उड़ान योजना और इसका टिकट क्या है सस्ता रखा गया है जिससे कि आम जनता भी एरोप्लेन का सफर ले सके और वहां पर और वहां पर क्या कर सके वाईफाई चला सके दोस्तों वाईफाई से इंटरनेट चला सके क्योंकि आप जानते हो आपके लिए वाईफाई और इंटरनेट कितना जरूरी है मेरे दोस्तों क्योंकि तो मेरे कुछ दोस्त लिखते हैं कि सर नींद नहीं आ रही क्या लिखते हैं हाँ रात में मैंने देखा है लिखते हैं सर नींद नहीं आ रही तो मेरे दोस्तों वाईफाई इंटरनेट को बंद करके देखिए नींद ऐसी आएंगी कि सीधी आपकी आंख सुबह साढ़े पांच बजे ही खुलने वाली है तो आनंद लीजिए क्लास का और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए बिना तनाव से पढ़िए किससे पढ़िए बिना तनाव से पढ़िए क्योंकि याद रखना जो काम आप नहीं कर सकते वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता केवल आपको ही भगवान ने बनाया है इस काम को करने के लिए और वो काम क्या है वो काम है दोस्तों अपनी सफलता सुनिश्चित करना तो खुद को इतना मजबूत कर लो मेरे दोस्तों खुद को इतना मजबूत कर लो कि आने दो समस्याओं को हम तैयार हैं वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी क्या होती है दोस्तों वायरलेस फिडिलिटी ध्यान रखना वाईफाई की ये फुल फॉर्म होती है इंटरनेट हमारा मौलिक अधिकार है बिल्कुल है भाई इंटरनेट आपका मौलिक अधिकार है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देखिए। क्या है? केंद्र सरकार द्वारा एक से सात मार्च के मध्य जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है निम्न में से कौन सा दिन जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा यह क्वेश्चन आपके लिए फिर महत्वपूर्ण हो गया क्वेश्चन नंबर पांच और देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच में क्या कहने वाला है कि जन औषधि सब दिवस कब बनाते हैं पहला क्वेश्चन है आइए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं एक से सात मार्च एक से सात मार्च क्या बनाया दोस्तों जन औषधि सप्ताह बनाया क्या बनाया जन औषधि सप्ताह बनाया और मेरे दोस्तों जल्दी से बताइए अभी मैंने आपको तीन मार्च को कौन सा दिवस पढ़ाया था तीन मार्च को मैंने आपको पढ़ाया था विश्व वन्य जीव दिवस यहां पर एक और याद करा रहा हूं आपको लगे हाथों एक मार्च कौन सा दिवस है दोस्तों एक मार्च को है शून्य भेदभाव दिवस कौन सा दिवस है शून्य भेदभाव दिवस मतलब कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा तो शून्य भेदभाव दिवस यह कब है बालकों यह होता है एक मार्च को कब होता है एक मार्च को होता है फिर से रिवीजन कीजिए एक मार्च को शून्य भेदभाव दिवस होता है और साथ में तीन मार्च को कौन सा होता है तीन मार्च को होता है दोस्तों कौन सा विश्व वन्य जीव दिवस और साथ में यह भी याद कर लीजिए कि एक से सात मार्च तक जन औषधि सप्ताह अपने सवाल पर और सवाल क्या कह रहा है कि जन औषधि सप्ताह का दोस्तों उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य सुविधा आपको निशुल्क मिल सके क्या निशुल्क मिल सके आपको स्वास्थ्य सुविधा निशुल्क? मिल सके यह उद्देश्य है किसका जन औषधि सप्ताह का उद्देश्य है और मेरे दोस्तों याद रखना 2019 में कब 2019 से 7 मार्च को कौन सा दिन है 7 मार्च को स्टार्ट किया हमने जन औषधि दिवस के रूप में बनाना तो क्या किया हमने जन औषधि दिवस के रूप में बनाना स्टार्ट किया कब से सात मार्च से कब हुआ दोस्तों सात मार्च तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है डी सात मार्च तो सात मार्च से हम कौन सा दिवस बना रहे हैं सात मार्च से बना रहे हैं हम जन औषधि दिवस तो मेरे दोस्तों 2019 में स्टार्ट हुआ अब फिर से फिर घुमाइए एक मार्च एक मार्च कौन सा दिवस है एक मार्च दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस और याद कीजिए तीन मार्च विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस और दोस्तों एक से सात मार्च सप्ताह है जन औषधि कौन सा है सात मार्च को है जन औषधि नाम है जन औषधि योजना क्या नाम है इसका जन औषधि योजना अब आप में से कहोगे कि सर यह योजना क्यों प्रारंभ की गई तो मेरे दोस्तों एक दवा होती है कौन सी होती है एक दवा होती है और उस दवा का नाम क्या है उस दवा का नाम है जेनेरिक दवा क्या नाम है उसका जेनेरिक दवा अब आप मेरे से पूछोगे ये कौन सी दवा है तो बालकों आपने देखा होगा कुछ दवाएं होती है जिनके ऊपर पेटेंट होता है क्या होता है उनके ऊपर पेटेंट होता है ये पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है कितने साल के लिए मिलता है दोस्तों 20 साल के लिए मिलता है और जब पेटेंट होता है ना तो वो दवा क्या होती है महंगी होती है क्या होती है दोस्तों पेटेंट मिलने पर दवा क्या होगी महंगी होगी लेकिन जैसे ही 20 साल हुए तो पेटेंट क्या हो गया पेटेंट समाप्त हो गया क्या हो गया पेटेंट समाप्त हो गया और मेरे दोस्तों पेटेंट के समाप्त होते ही वो कौन सी दवा कहलाएगी जेनेरिक दवा कहलाएगी मतलब इसका उद्देश्य क्या है इसका मतलब है कि जिस दवा पर पेटेंट नहीं होगा वो दवा कौन सी है वो दवा है जेनेरिक दवा और मेरे दोस्तों ये दवाएं सस्ती होती हैं क्या होती हैं ये दवाएं सस्ती होती हैं तो जेनेरिक दवाओं को जेनेरिक दवाओं को सभी औषधि केंद्रों पर सभी औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराने के लिए जेनेरिक दवाओं को सभी औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराने के लिए एक योजना आती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना क्या नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना तो मेरे दोस्तों जल्दी से बताइए एक मार्च को शून्य भेदभाव दिवस कौन सा है शून्य भेदभाव दिवस है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यह भी है लालचंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एक मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी है तो एक मार्च को शून्य भेदभाव दिवस विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हो गया और याद कीजिए तीन मार्च को वन्य जीव दिवस हो गया और एक से सात मार्च तक हो गया जन औषधि सप्ताह और मेरे प्यारे दोस्तों सात मार्च को कौन सा हो गया सात मार्च को हो गया जन औषधि दिवस तो सारी चीजें आप अपने दिमाग में नोट करके रखिएगा आइए दोस्तों आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स और आ जाइए क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया है मेरे दोस्तों आपके लिए और मेरे लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपको पता है मौसम आ गया है किसका होली का मौसम आ चुका है तो क्यों ना होली को स्टार्ट करते हैं आने वाली होली से आपने सभी ने सुना होगा वर्षाने वाली होली के बारे में आइए एक झलक देखते हैं हम बरसाने वाली होली की हाल ही में कहां पर बरसाना होली महोत्सव की शुरुआत हुई है तो मेरे बालकों कहां पर हुई है मथुरा के अंदर हुई है कहां पर मथुरा के अंदर अब बताइए मुझे जगन्नाथ कहां पर है तो मेरे दोस्तों जगन्नाथ है पुरी के अंदर और ये पुरी कहां पर है ओडिशा में कहां पर है ओडिशा के अंदर है द्वारका कहां पर है द्वारका है दोस्तों कहां पर गुजरात के अंदर कहां पर है गुजरात के अंदर है और मथुरा तो आप जानते ही हो उत्तर प्रदेश के अंदर है मथुरा और वाराणसी कहां पर है वाराणसी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है और आप इसी को किस नाम से जानते हो काशी के नाम से जानते हो और साथ में बाबा विश्वनाथ की नगरी कैसे कहते हैं दोस्तों बाबा विश्वनाथ हाँ महादेव के लाडले बाबा विश्वनाथ की नगरी है कौन सी वाराणसी शहर और यहीं से यहीं से गुजराती दिमाग क्या है यहीं से गुजराती दिमाग मुख्यमंत्री है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री है कहाँ से वाराणसी से मुख्यमंत्री है चले एक सवाल बताइए आप देखते हैं कौन बताएगा किस बॉलीवुड की अच्छी जानकारी है मथुरा से मथुरा से एमपी मथुरा से सांसद कौन है देखते हैं कौन पढ़ाएगा मोहित कुमार जी कह रहे हैं भैया आज पहली बार आए हैं मुझे लग रहा है आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं ना तो बताइए मुझे मथुरा से कौन मथुरा मत, से कौन सांसद है देखते हैं कौन बताएगा इसका सही आंसर और जो सही आंसर बताएगा उसको हम बॉलीवुड के अंदर भेज देंगे तो बताइए कौन बताने वाला है सही आंसर मथुरा से अरे चौधरी साहब ने तो पहले ही लिख दिया है ना हाँ देखिए क्या गजब की नॉलेज है आपके पास सबको याद है मथुरा से एमपी कौन है बसंती है कौन है दोस्तों बसंती है हेमा है, है बिल्कुल सही जवाब है आपका है ना बिल्कुल सही जवाब है अब देखिए ये वर्साने वाली होली कब प्रारंभ होती है बालकों यह हुई प्रारंभ तीन मार्च को कब हो गई तीन मार्च को कल हो गई बरसाने वाली होली का प्रारंभ और देखिए चार मार्च चार मार्च को होने वाली है तीन मार्च को जब ये प्रारंभ हुई तो पहला दिन कौन सी होली थी लड्डू होली थी कौन सी होली थी बालकों लड्डू होली थी मजा आ रहा होगा ना सुन करके कौन सी होली है लड्डू होली है सर बड़ा मजा आएगा खेलने में अरे आगे सुनो हाँ आगे सुनो धज्जिया उड़ने वाली है आप सभी की देखिए चार मार्च जैसे ही आई तो अब छोड़िए लड्डू और अब आ जाइए किसकी तरफ लठ की तरफ आ जाइए तो याद रखना लठ मार होली लठ मार होली कब बनती है अगले दिन बनती है मतलब आज ही के दिन बनेगी कौन सी होली लठ मार होली और आप समझते हो आप समझते हो लठ मार होली में क्या होने वाला है पहले तो लड्डू खिलाए जाते हैं तीन मार्च को इसे बोलते हैं हम लड्डू होली और जैसे ही तीन मार्च समाप्त हुआ तो चार मार्च से स्टार्ट होती है लठ मार होली और दोस्तों ये लठ मार होली कहां पर होती है बरसाना के अंदर कहां पर होती है बरसाना के अंदर ये बरसाना कौन है तो ध्यान रखना जो राधा की जन्मभूमि है राधा की जन्मभूमि कौन सी है दोस्तों बरसाना है राधा की जन्मभूमि और यहां पर और यहां पर दोस्तों होली खेलने कौन आते हैं यहां पर होली खेलने आते हैं नंदगाम से कहां से आते हैं नंदगाम से आते हैं यहां पर होली खेलने और इन्हें वापस मिलता क्या है इन्हें वापस मिलते हैं लठ तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लठ मार होली तो देखिए तीन मार्च को लड्डू होली हो गया और चार मार्च से स्टार्ट होती है कौन सी चार मार्च से स्टार्ट होती है लट मार, होली और याद रखना बरसाना राधा की जन्मभूमि वो खेलने आते हैं क्या होली खेलने आते हैं और उन्हें वापस क्या मिलता है उन्हें वापस लठ मिलते हैं इसलिए दोस्तों इसीलिए ध्यान रखना इसे क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं लठ मार मोदी जी वाराणसी से मुख्यमंत्री है अरे मुख्यमंत्री नहीं है प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी जी है ना और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वास्तव में मानता हूं आपकी क्लास क्लास दिल दिल से तक की है बिल्कुल मेरे दोस्तों आप जो कहना चाहते हो मैं आपको पहले ही कह देता हूं यही तो क्या होती है यही होती है दिल से दिल तक की क्लास क्योंकि मैं दिल से दिल तक की क्लास इसीलिए ले रहा हूं दोस्तों क्योंकि दिल के अंदर जो जाता है ना वो लंबे समय तक रहता है और आप सभी क्या हैं आप सभी अनुभवी इंसान हैं आपको बिल्कुल पता है ये सभी बातें हाँ हंसना बंद कीजिए और आइए अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल कौन सा है दोस्तों तो देखिए क्वेश्चन नंबर सात आ गई है बीमारी क्या आ गई है दोस्तों आ गई है बीमारी कोविड नाइनटीन बताइए मुझे कोविड नाइन्टीन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कोविड 19 है तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो देखिए ये कोविड 19 क्या बीमारी है जो इस समय जिसने भूचाल मचा दिया है कहां पर पूरे विश्व के अंदर भूचाल मचा दिया है कोविड 19 ने देखिए दोस्तों को का मतलब क्या हो गया को का मतलब हो गया बालको कोरोना क्या हो गया कोरोना हो गया बी का मतलब क्या है वी का मतलब है वायरस क्या है दोस्तों वायरस है और डे का मतलब है डिजीज क्या है बालको? डिजीज है और उन्नीस का मतलब है दो हजार उन्नीस क्या मतलब है दो हजार उन्नीस तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज <t– bes domeat Christmas> तो मेरे दोस्तों इसका पहले नाम क्या था इसका पहले नाम था नोवेल कोरोनो वायरस क्या नाम था इसका नोवेल कोरोनो वायरस अब मुझे बताइए आप ये जो नोवेल कोरोना है इसका मतलब क्या है तो नोवेल का मतलब होता है नया क्या होता है नया होता है और कोरोना का मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब है कि जिसकी आकृति कैसी हो क्राउन के समान हो क्राउन का मतलब जो सिर का ताज होता है दोस्तों इसके समान इसकी आकृति होती है अब देखिए अगला पॉइंट फिर ये नाम दिया किसने था यह नाम दिया डब्लू एच ओ ने किसने दिया दोस्तों डब्ल्यू एच ओ ने दिया जिसका मतलब क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन और इसकी स्थापना कब होती है हाँ दोस्तों सात अप्रैल 1948 को महादेव की कसम सात अप्रैल 1948 को स्थापना होती है किसकी विश्व स्वास्थ्य दिवस और दोस्तों इसीलिए सात अप्रैल को बनाते हैं हम कौन सा दिवस विश्व स्वास्थ्य दिवस बताइए मेरे दोस्तों जल्दी बताइए हाँ बिल्कुल बताइए फूल पत्ती वाली क्लास बंद होगी के सर जी अरे नहीं होगी फूल पत्ती वाली क्लास ही तो चल रही है विजय बाना जी आप लेट आ गए क्लास के अंदर है ना देखिए जल्दी बताइए एक मार्च को कौन सी फूल पत्तियां लगाई थी हमने एक मार्च को है नागरिक सुरक्षा दिवस है और साथ में शून्य भेदभाव दिवस है जल्दी बताइए तीन मार्च को कौन सा है तीन मार्च को है वन्य जीव सुरक्षा वन्य जीव संरक्षण दिवस है और याद कीजिए एक से सात मार्च तक है जन औषधि सप्ताह सात मार्च को क्या है सात मार्च को है जन औषधि दिवस और सात अप्रैल को कौन सा है दोस्तों सात अप्रैल को है विश्व स्वास्थ्य दिवस और इसका हेडक्वार के अंदर है जेनेवा अब आइए इसके लक्षण कैसे होते हैं इसके लक्षण होते हैं दोस्तों कैसे न्यूमोनिया की तरह कैसे लक्षण होते हैं न्यूमोनिया की तरह और आपसे अगर पूछ ले कि ये बीमारी स्टार्ट कहां से होती है तो मेरे दोस्तों यह बीमारी स्टार्ट होती है कहां से चीन से कहां से स्टार्ट होती है चीन से स्टार्ट होती है और डब्ल्यूएचओ ने यहां तक कह दिया कि अब इसके कितने 90,000 मामले पुष्टि हो चुकी है कितने दोस्तों 900 हजार मामलों की पुष्टि हो चुकी है यह कह दिया किसने यह कह दिया है वीएचओ ने याद रखना दोस्तों वीएचओ ने कह दिया कि 900 90 हजार मामलों की पुष्टि हो चुकी है अब देखिए कोविड 19 ये फैला कैसे था ध्यान रखना सांप और चमगादड़ का सूप पीने से किससे सांप और चमगादड़ का सूप पीने से फैला कौन सा कोविड नाइनटीन बीमारी और भारत में सबसे पहले कहां पर आया भारत में सबसे पहले आया दोस्तों केरल के अंदर कहां पर आया केरल के अंदर भारत में सबसे पहले आया कोविड 19 दोबारा घुमाइए जल्दी कीजिए कोविड 19 दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है इसका पुराना नाम है नोवेल कोरोना वायरस और दोस्तों अब इसका क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया कोविड 19 ये नाम चेंज किसने किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया जिसका हेडक्वार्टर है जनेवा के अंदर सात अप्रैल उन्नीस को स्थापना होती है किसकी जनेवा की आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके लक्षण हैं न्यूमोनिया की तरह कहां से प्रारंभ होती है ये दोस्तों मेड इन चाइना है क्या है ये मेड इन चाइना है चीन से प्रारंभ होता है कोविड-19 सांप और चमगादड़ का सूप पीने से फैला है कौन सा ये कोविड-19 बीमारी और भारत में केरल के अंदर पहुंच गया है कहां कोविड नाइनटीन बीमारी और मेरे दोस्तों इसके लिए हमारी सरकार ने चीन से आने वाला जो बीजा है इसे रद्द कर दिया है चीन से जो भी बीजा है उसे रद्द कर दिया है किसने भारत ने और मेरे दोस्तों याद रखना भारत ने साफ साफ कहा है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हां निर्देश जारी कर दिए कि आप बार बार हाथ धोइए और क्या कीजिए मास्क का उपयोग कीजिए और हां थोड़ी दूरी बनाइए किससे दोस्तों हाँ चीन जाने से कहा से चीन जाने से दूरी बनाइए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों ये वायरस है क्या है ये वायरस है और वायरस का मतलब क्या है ये विषाणुओं का समूह है क्या है बालकों विषाणुओं का समूह है तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ हाल ही में निम्न सदन में बैंककारी नियमन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया है इसके संबंध में सत्य कथन है लगाइए फूल पत्तियां क्या लगाइए दोस्तों फूल पत्तियां लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर आठ पर क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स की समझ पैदा करेगा और आइए मजे लेते हैं किसके क्वेश्चन नंबर आठ के आइए दोस्तों निम्न सदन पहली बात तो ये कौन सा है निम्न सदन है बालको और निम्न सदन का मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया लोकसभा क्या मतलब हो गया इसका लोकसभा हो गया और मुझे बताइए आप जो लोकसभा है दोस्तों इसमें किसने पेश किया इसे वित्त मंत्री ने किसने पेश किया वित्त मंत्री ने और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है दोस्तों निर्मला सीतारमन जी वर्तमान में वित्त मंत्री है अब आइए अगले सवाल पर अगला सवाल क्या है कि लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश हुआ है दोस्तों बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 अब मुझे बताइए आप अब आप मुझे बताइए कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है दोस्तों जो सहकारी बैंक होती है कौन सी बैंक होती है जो कोऑपरेटिव बैंक होती है सहकारी बैंक इन पर किसका कंट्रोल करना दोस्तों इन पर कंट्रोल लेकर आना किसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसका कंट्रोल लेकर आना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल लेकर आना अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये कंट्रोल क्यों ये कंट्रोल क्यों तो ध्यान रखना दोस्तों यह कंट्रोल इसीलिए क्योंकि इन बैंक में छोटे ध्यान रखना इन बैंक में छोटे जमा करता क्या करते हैं अपनी पैसा जमा करते हैं तो जो छोटे जमा करता होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए क्या करना दोस्तों इनकी सुरक्षा के लिए मतलब जिन्होंने इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़ करके कहा जमा की है दोस्तों जमा की है सहकारी बैंक के अंदर और सहकारी बैंक क्या करती है रफू चक्कर हो जाती है तो इसे रोकने के लिए इसे रोकने के लिए क्या किया गया है एक अधिनियम एक विधेयक लाया गया है दोस्तों जिसका उद्देश्य है सहकारी बैंक पर किसका कंट्रोल करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल करना अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब होती है एक अप्रैल 1935 को कब होती है बालकों एक अप्रैल 1900 पैंतीस को बताइए हेडक्वार्टर कहां पर है इसका हेडक्वार्टर है इसका बॉलीवुड सिटी मुंबई के अंदर कहां पर है मुंबई के अंदर है बॉलीवुड सिटी में और मेरे दोस्तों इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास कौन है शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है देख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमने बता दिया आपको और इस अधिनियम इस विधेयक का क्या उद्देश्य है मैंने आपको वो समझा दिया देखिए हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अप्रैल उन्नीस मुंबई में हेडक्वार्टर है और शक्तिकांत दास क्या है गवर्नर है दोस्तों तो बताइए इसमें कथन कौन सा हुआ सत्य कथन हो गया ऑप्शन नंबर सी यह सहकारी बैंकों को RBI के नियमन के दायरे में लाता है नियमन का मतलब क्या होता है नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन क्या होता है दोस्तों रेगुलेशन होता है नियमन का मतलब अब देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर एक वर्ड और आया है हम कोशिश करते हैं उसको भी आपको समझाने की और वो वर्ड है नाबार्ड कौन सा है दोस्तों नाबार्ड है और मुझे बताइए नाबार्ड की स्थापना कब होती है नाइन में कब होती है दोस्तों 1982 में होती है नाबार्ड की स्थापना और बताइए किस समिति की सिफारिश पर होती है मेरे दोस्तों वो समिति है सिब रमन समिति कौन सी समिति है वो शिव रमन समिति तो यहां पर ये पॉइंट याद रखना दोनों पॉइंट दोनों पॉइंट हर एग्जाम के अंदर लगभग कॉमन है कि शिव रमन समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है किसकी नाबार्ड की स्थापना होती है और कब होती है 1982 1982 के अंदर होती है तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इसलिए आप तैयारी कुछ ऐसे कीजिए दोस्तों तो, हां तैयारी कुछ ऐसे कीजिए जिससे हाँ लगे कि पेपर के अंदर आप कुछ करने वाले हैं उड़ाने वाले हैं किसकी पेपर की उड़ाने वाले हैं तो बिल्कुल हाँ, आनंद लीजिए क्लास का डिप्टी गवर्नर कौन है चार डिप्टी गवर्नर होते हैं कितने होते हैं चार डिप्टी गवर्नर होते हैं कहां पर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सर क्लास कितने बजे चलती है अंजू सक्सेना जी अब से क्लास साढ़े से स्टार्ट होगी और मैंने देखा मेरे सभी साथी लगभग साढ़े पांच बजे तैयार हो गए थे क्लास के लिए यही आपका जो जुनून है दोस्तों यही आपको सफलता दिलाएगा निश्चित ही दिलवाएगा बस खुद पर विश्वास रखिए मेरे दोस्तों और हां ठान कर बैठिए अब की बार तो अब की बार तो सिलेक्शन लेकर ही घर जाएंगे हाँ दोस्तों धूम धड़ाके के साथ चलेंगे घर अब की बार सिलेक्शन लेकर के तो आइए आगे बढ़ते हैं सूप क्यों पीते हैं अरे भाई सूप क्यों पीते हैं आप भी जानते हैं सूप क्यों पीते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन हाल ही में हाँ मेरे दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए फूल पत्ती वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर में एफ आई एच ने पुरुष खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की है इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा तो मेरे दोस्तों देखिए एफ आई एच ने रैंकिंग जारी की है और वो जो रैंकिंग है मेरे दोस्तों उसमें पहले स्थान पर कौन है पहले स्थान पर है बेल्जियम कौन है दोस्तों बेल्जियम है और मुझे बताइए बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है यूरोप के अंदर स्थित है बेल्जियम और मेरे दोस्तों इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स क्या है इसकी राजधानी इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स तो याद रखना बेल्जियम कहां पर है यूरोप के अंदर है और इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स आइए दूसरे दूसरे सवाल पर दूसरे नंबर पर कौन है दूसरे पर है बालको ऑस्ट्रेलिया कौन है ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा क्या है दोस्तों कैनबरा राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की तीसरे पर कौन है तीसरे पर है नीदरलैंड और नीदरलैंड को क्या बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं हॉलैंड क्या कहते हैं दोस्तों होलैंड कहते हैं हम नीदरलैंड को और मेरे दोस्तों आ चुका है भारत कौन आ चुका है भारत आ चुका है और भारत कौन से स्थान पर है भारत फोर्थ स्थान पर है कौन से स्थान पर है फोर्थ स्थान पर है भारत और याद रखना मेरे दोस्तों यह भारत की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है क्या है दोस्तों अब तक की बेस्ट रैंकिंग है किसकी भारत की हॉकी के अंदर तो याद रखना दोस्तों भारत की हॉकी के अंदर अब तक की सर्वश्रेष्ठ अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग कौन सी है रैंकिंग नंबर फोर कौन सी है रैंकिंग नंबर फोर पहले पर कौन है दोस्तों पहले पर है बेल्जियम दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर है नीदरलैंड और फोर्थ पर कौन है फोर्थ पर है दोस्तों भारत कौन है भारत है फोर्थ नंबर पर तो इसमें पूछा है क्या शीर्ष स्थान पर कौन है तो शीर्ष पर कौन है दोस्तों सीर्स पर है बेल्जियम कौन है बेल्जियम है स्थान पर आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस फिर आ गया है दोस्तों कौन सा फिर आ गया है हाँ एफ आई एच की फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशन हॉकी क्या फुल फॉर्म है इसकी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ क्या है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ये किसकी फुल फॉर्म है वालको? ये यह फॉर्म है किसकी एफ आई एच की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन क्या है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यही है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर दस को देखिए दोस्तों हाल ही में कोविड नाइनटीन के कारण 2020 में आयोजित होने वाली ओलंपिक के आयोजन पर संशय पैदा हो गया है मेरे दोस्तों जिस ओलंपिक के बारे में आप एक साल से पढ़ रहे थे उस ओलंपिक पर क्या आ गया है अब संशय आ चुका है और ये संशय क्यों आ गया है इस संशय का कारण है भाई साहब कोविड 19 मैंने आपको अभी बताया था नोवेल कोरोना उसका नया नाम कोविड 19 निमोनिया की तरह लक्षण थे दोस्तों जानवरों से मनुष्य के अंदर फैल गया मेड इन चाइना है भारत में केरल के अंदर आ चुका है और चाइना के जो इर्द गिर्द वाले शहर है दोस्तों जो देश है वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और तेजी से फैल रहा है कौन सा कोविड 19 अब तक लगभग नब्बे हजार मामले पुष्टि हो चुके हैं किसके कोविड 19 के अब देखिए इस कोविड 19 के कारण क्या हो रहा है 2020 में आयोजित होने वाला ओलंपिक और मेरे दोस्तों यह ओलंपिक कब होने वाला है 24 जुलाई से 9 अगस्त कब तक चलेगा 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा यह ओलंपिक और यह 9 अगस्त यह 9 अगस्त भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 अगस्त 1942 कौन सा दिन है दोस्तों 9 अगस्त 1942 इसी दिन एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा था भारत छोड़ो आंदोलन और मेरे दोस्तों याद कीजिए याद कीजिए 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को एक कांड हुआ था इस कांड का नाम था काकोरी ट्रेन डकैती क्या नाम था दोस्तों इसका काकोरी ट्रेन डकैती देखिए हाँ टोक्यो ओलंपिक से मैं आपको कहां पर ले आया मैं आपको अपनी हिस्ट्री के अंदर ले आया क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य आपकी सफलता सुनिश्चित करना है देखिए 9 अगस्त दिन दो फेमस है एक तो क्या है 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है और इसी दिन नौ अगस्त उन्नीस को काकोरी ट्रेन उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक स्थान है काकोरी जहां पर डकैती होती है जिस डकैती का नाम क्या है काकोरी ट्रेन डकैती और दोस्तों इसी में कौन शामिल होते हैं अशफाक उल्ला खान राम प्रसाद बिशमिल और एक बंदा तो आप जानते हो चंद्रशेखर आजाद जो पकड़ में नहीं आते कहां पर काकोरी ट्रेन डकैती में देखिए ओलंपिक होने वाला है कहां पर टोक्यो के अंदर कहां पर होने वाला है टोक्यो के अंदर होने वाला है तो ध्यान रखना इसका आयोजन कहां पर होगा टोक्यो राजधानी है किसकी जापान की राजधानी है टोक्यो देखिए कोविड नाइन्टीन के कारण हो सकता है कि क्या हो जाए हो सकता है कि इसका आयोजन रद्द हो जाए लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं अगर इसका आयोजन रद्द हुआ तो यह कौन सा है दोस्तों जब ओलंपिक रद्द हुआ है और मेरे दोस्तों अब तक ओलंपिक तीन बार रद्द हो चुका है 1916 में रद्द हुआ था 1940 में रद्द हुआ था और मेरे दोस्तों उन्नीस चौवालीस में रद्द हुआ था 1916, 1940 और 1944. 1916 क्यों हुआ दोस्तों हाँ प्रथम विश्व युद्ध के कारण किसके कारण है प्रथम विश्वयुद्ध के कारण और 1940 और 44 में द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण रद्द हुआ था अगर यह रद्द होता है तो कौन सा नंबर होगा फोर्थ नंबर होगा अगर ये रद्द होता है आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप समझ चुके होंगे अब दस क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं तो हम स्टार्ट करते हैं क्या हाँ, आठ मार्च को शुरू हो गया था अरे आठ मार्च को रात को बारह बजे घोषणा की थी और जैसे ही बारह बजे तो दोस्तों नौ अगस्त स्टार्ट हो गया था बिल्कुल चिंता ना कीजिए हाँ अब तक चार बार हो जाएंगे अगर यह लागू हो गया था अगर अब की बार हो गया तो कौन सा नंबर होगा फोर्थ बार होगा अब तक तीन बार रद्द हो चुके हैं 1916 में 1940 में और 1944 में आ जाइए जापान घूमने चल रहे हैं कहां घूमने चल रहे हैं जापान घूमने चल रहे हैं हाँ मार्क्स लगा लीजिए दोस्तों देखिए जापान के अंदर क्या है कुछ दीप है मेरे दोस्तों और देख लीजिए वो दीप कौन कौन से है पहला दीप है कौन सा दोस्तों होकेडो कौन सा है होकेडो है और दूसरा कौन सा है होकोडो पहला हो गया दोस्तों दूसरा है कौन सा दूसरा है होंसु कौन सा है होंसु है एक है बालको कौन सा एक है क्यूसु और सिकोयू क्या नाम है दोस्तों एक है सिकोयू और एक क्या है बालको एक है क्यूसू क्या नाम है क्यूसू है तो ध्यान रखना चार दीप है कहां पर जापान के अंदर होकेडो होंसु सिकोयू और क्यूशु ये जो होंसु है सबसे बड़ा दीप कौन सा है सबसे बड़ा दीप है दोस्तों होंसु और याद रखना इसी होंसु पर जापान की राजधानी स्थित है और ये राजधानी कौन सी है ये राजधानी है टोक्यो और मेरे दोस्तों ध्यान रखना सूर्य उदय का देश सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं जापान को कहते हैं सूर्य उदय का देश और इसी का दूसरा नाम है निप्पन क्या कहते हैं दोस्तों इसे निप्पन भी कहते हैं किसे जापान को और मेरे प्यारे साथियों आपको पता है पता है कि इसकी राजधानी क्या है इसकी राजधानी है येन क्या है इसकी राजधानी इसकी राजधानी है साथियों तो देखिए सूर्य उदय का देश निप्पन, होकेडो हंसु क्योसु सिकोयू और हिरोशिमा ये यह हिरोशिमा आपको पता है ना दोस्तों हां नागा हिरोशिमा पर क्या हुआ था 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे क्या गिराए गए थे परमाणु बम गिराए थे और ये परमाणु बम गिराने वाला कौन था विश्व का चौधरी था और वो चौधरी कौन है दोस्तों अमेरिका है और अमेरिका ने क्या करा हाँ ये कहा गलती से क्या हो गया गलती से परमाणु बम हमने गिरा दिए किसके ऊपर हाँ जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर और आइए दोस्तों हाँ जो एक नई पहल हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एक नई पहल स्टार्ट कर रहे हैं वो नई पहल क्या है दोस्तों गुरु मंत्र क्या है गुरु मंत्र है मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुरु मंत्र जो है वो समझ में आएगा और बड़ा आनंद आएगा आपको अब दस मिनट आप मेरे साथ पंद्रह मिनट आराम से सुनिए बात को इस गुरु मंत्र में हम क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम कोई टॉपिक उठाएंगे स्टेटिक जीके का किसका उठाएंगे स्टेटिक जीके का उठाएंगे और याद रखना इस टॉपिक को हम याद करेंगे क्या करेंगे याद करेंगे मेरे दोस्तों पढ़ेंगे नहीं क्या करने वाले हैं इसे याद करने वाले हैं किसको गुरु मंत्र को देखिए गायत्री मंत्र आ चुका है मूल मंत्र भी आ चुका है आज लॉन्च हो रहा है कौन सा आज लॉन्च हो रहा है दोस्तों गुरु मंत्र क्या लॉन्च हो रहा है गुरु मंत्र लॉन्च हो रहा है और आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको कल बताया था कि जो इस्पात संयंत्र है कौन से है लोहो इस्पात संयंत्र है उसकी क्या ट्रिक हो सकती है मतलब कौन सा संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों मैं आपको आज वो बताने वाला हूं तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक भारत का मैप बनाएंगे और आप मेरे साथ क्या कीजिए हाँ एक भारत का मैप बना लीजिए भारत का मैप बना लीजिए दोस्तों हाँ आलस मत कीजिए फिर कह रहा हूं आपसे है ना हाँ आलस मत कीजिए और हसीिए भी मत है ना क्या कीजिए भारत का मैप बना लीजिए और जैसे ही भारत का मैप बन जाए आपका जल्दी से बनाइए क्या जल्दी से बना लीजिए भारत का मैप फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों याद करना किसे हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं लोह इस्पात संयंत्र क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों लोह इस्पात संयंत्र पहली बात तो आप मुझे बताइए इन संयंत्र के लिए क्या दो चीज बड़ी जरूरी है वो है दोस्तों एक है लोहा क्या है एक है लोहा और एक है दोस्तों क्या कोयला क्या है कोयला ध्यान रखना लोहा और कोयला ये दोनों जरूरी है किसके लिए लोहो इस्पात संयंत्र के लिए तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या लोह इस्पात संयंत्र पहले भारत बना लीजिए बिल्कुल भारत बना लीजिए और याद रखना भारत ही बनाया है मैंने आपसे सुंदर मैप बनाया है बिल्कुल अच्छी बात है मुझसे सुंदर ही बनाइए है ना क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सबसे अधिक क्या ऊंचाई पर पहुंच जाएं, तो दोस्तों यही सबसे बड़ी क्या होगी मेरे लिए अचीवमेंट होगी मेरी उपलब्धि होगी तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पहला बताइए मुझे पहला संयंत्र है याद कीजिए कहां पर ध्यान कीजिए दोस्तों बताइए दुर्गा पूजा कहां पर होती है बताइए मुझे दुर्गा पूजा कहां पर होती है आप सभी को पता है दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल के अंदर कहां पर होती है पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होती है तो मेरे दोस्तों दुर्गा पूजा कहाँ होती है पश्चिम बंगाल के अंदर होती है दुर्गा पूजा तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में एक लौ इस्पात संयंत्र है जिसका नाम है दुर्गा पूरा, क्या नाम है दोस्तों दुर्गा दुर्गापुरा दुर्गा पुरा कहां पर है पश्चिम बंगाल के अंदर है दुर्गा पुरा। तो याद कीजिए दुर्गा पूजा कहां पर होती है दोस्तों दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल के अंदर आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं एक नाम आपने सुना होगा जमशेद भाई टाटा क्या नाम है दोस्तों जमशेद भाई टाटा -टा। और देखिए इसी नाम के अंदर एक परमाणु एक दोस्तों लो इस्पात संयंत्र है और वो संयंत्र कहां पर है जमशेदपुर में कहां पर है बालकों जमशेदपुर में और ये किसका लो इस्पात संयंत्र है टाटा -टा का है किसका है टाटा -टा का है जमशेदपुर कहां पर है दोस्तों जमशेदपुर है झारखंड के अंदर कहां पर है झारखंड के अंदर है जमशेदपुर कौन सा स्थान है दोस्तों जमशेदपुर और यहां पर यहां पर एक इस पास संयंत्र है जिसका नाम है क्या टिस्को क्या नाम है इसका टिस्को इसका नाम है जिसकी फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील क्या है बालकों टाटा आयरन स्टील कॉपरेशन पहला था क्या दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरा है जमशेद भाई टाटा मतलब टाटा का कहां पर लगा हुआ है टाटा का है जमशेदपुर के अंदर और जमशेदपुर कहां पर है झारखंड के अंदर है अब देखिए दोस्तों हाँ अब देखिए अब कहानी याद कीजिए हुआ क्या था जो जमशेद भाई टाटा है कौन है जमशेद भाई जो टाटा है हुआ क्या था दोस्तों इन्होंने बोझ कम कर दिया <Mile dizzy similarities> क्या कम कर दिया इन्होंने इन्होंने बोझ कम कर दिया और मेरे दोस्तों देखिए इस बोझ से एक और बन गया और वो कौन सा है इस बो से बना दोस्तों बो, क्या बन गया? बन गया और इस जैसे क्या बन गया जैसे बन गया दोस्तों झारखंड क्या बन गया झारखंड बन गया देखिए हाँ जमशेद भाई टाटा ने जमशेद भाई टाटा ने बोझ कम कर दिया और वो बोझ क्या है दोस्तों वो बोझ है बोकारो झारखंड तो तीसरा कौन सा हो गया तीसरा हो गया दोस्तों बोकारो झारखंड कौन सा हो गया बोकारो झारखंड हो गया अब देखिए अगला जैसे ही जमशेद भाई टाटा ने बोझ कम किया तो दोस्तों क्या हुआ जैसे ही बोझ कम किया किसने जमशेद भाई टाटा ने तो पहला देखिए पहला हो गया दुर्गा पूजा कहाँ होती है पश्चिम बंगाल में होती है दुर्गा पूजा दूसरा देखिए दोस्तों दूसरा है भाई टाटा जमशेदपुर टाटा के अंदर है और तीसरा है दोस्तों हां बोझ कम कर दिया किसने बोझ कम कर दिया किसने जमशेद भाई टाटा ने और मेरे दोस्तों अगला देखिए जैसे ही बोझ कम किया किसने जमशेद भाई टाटा ने तो हमने क्या कहा कि भाई आपकी छत सलामत रहे हमने क्या कहा दोस्तों भाई आपकी छत क्या रहे भाई आपकी छत सलामत रहे और मेरे दोस्तों देखिए दो नाम और आ चुके हैं वो दो नाम क्या है पहला नाम है भाई से बना क्या भाई से बना भिलाई क्या बना दोस्तों भिलाई बन गया और छत से क्या बन गया छत से बन गया छत्तीसगढ़ क्या बन गया छत्तीसगढ़ बन गया तो जैसे ही जैसे ही जमशेद भाई ने हाँ बोझ कम किया दोस्तों तो हमने क्या कहा भाई आपकी छत सलामत रहे और मेरे दोस्तों सलामत का मतलब क्या है सलामत का मतलब है देखिए ये हो गया क्या ये हो गया सेलम और दोस्तों ये टी क्या है ये टी है तमिलनाडु क्या है तमिलनाडु तो देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा हो गया छत्तीसगढ़ में हो गया भिलाई कौन सा हो गया भिलाई हो गया और जो सेलम स्थान है दोस्तों यहां पर कौन सा हो गया तमिलनाडु के अंदर हो गया अब एक रह गया है और वो एक क्या है जैसे ही देखिए जैसे ही दुर्गा पूजा होती है दुर्गा पूजा के बाद में भाई टाटा ने क्या करा जमशेद भाई टाटा ने अपना बोझ कम कर दिया और जैसे ही बोझ कम किया किसने भाई टाटा ने, तो हमने कहा भाई आपकी छत सलामत रहे क्या कहा और जमशेद गए और खुश हो गए क्या कहा उन्होंने कि मैं आज केले की डिस बनाऊंगा किसकी डिस बनाऊंगा कि मैं आज केले की डिस बनाऊंगा किसकी डिस है दोस्तों केले की डिस है इस डिस का मतलब क्या हो गया इस डिस का मतलब हो गया ओडिशा क्या हो गया ओडिशा हो गया और केले का मतलब हो गया राउर केला क्या हो गया मेरे पैर दोस्तों राउर केला हो गया तो ध्यान दीजिए हा ओडिशा में कौन सा हो गया राउर केला हो गया ओडिशा के अंदर अब देखिए दोबारा से दोबारा से देखिए एक बार सबसे पहले क्या सबसे पहले जमशेद भाई टाटा ने दुर्गा पूजा करके बोझ कम कर दिया भाई टाटा ने दुर्गा पूजा करके बोझ कम कर दिया तो जमशेदनगर कहां पर है दोस्तों झारखंड में है और सबसे बड़ी बात क्या है वहां टाटा का प्लांट है किसका है टाटा का प्लांट है दूसरा देखिए दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि भाई टाटा ने दुर्गा पूजा करके दुर्गा पूजा कहां पर होती है बाल वेस्ट बंगाल में होती है दुर्गा पूजा तो भाई टाटा ने दुर्गा पूजा करके क्या कर दिया हाँ दोस्तों बोझ कम कर दिया इस बो का मतलब क्या है बोकारो है और इस झ का मतलब क्या है झारखंड है तो जमशेद भाई टाटा ने हाँ भाई टाटा ने दुर्गा पूजा करके बोझ कम कर दिया और जैसे ही बोझ कम किया तो हमने कहा कि भाई आपकी छत सलामत रहे भाई आपकी छत भाई का मतलब हो गया बिलाई और छत का मतलब हो गया छत्तीसगढ़ तो भाई आपकी छत सलामत रहे सलामत का मतलब क्या हो गया दोस्तों हाँ सेलम हो गया कहां पर तमिलनाडु के अंदर हो गया अब देखिए अगला भाई आपकी छत सलामत रहे जमशेद भाई टाटा खुश हो गए और खुश होकर क्या कहा कि मैं आज तुमको केले की डिस खिलाऊंगा किसकी केले की डिस खिलाऊंगा डिस का मतलब हो गया दोस्तों ओडिशा और केले का मतलब क्या हो गया राउर केला हो गया और मेरे दोस्तों ये भारत के महत्वपूर्ण क्या है लो इस्पात संयंत्र है अब आप क्या कीजिए एक बार एक बार लाइन से लिख लीजिए किसे दोस्तों देखिए पहला मैंने आपको क्या बताया पहला बताया जमशेद नगर क्या बताया दोस्तों जमशेद नगर बताया और जो जमशेदपुर है वो कहां पर है दोस्तों ये झारखंड के अंदर है कहां पर है झारखंड के अंदर है दूसरा मैंने आपको क्या बताया दूसरा बताया दोस्तों बोकारो कौन सा बताया बोकारो और ये बोकारो भी कहां पर है ये झारखंड के अंदर है बोकारो तीसरा बताया मैंने आपको दुर्गापुरा कौन सा बताया बालकों दुर्गापुरा बताया और ये दुर्गापुरा कहाँ पर है पश्चिम बंगाल के अंदर है कहां पर है पश्चिम बंगाल के अंदर है दुर्गापुरा और मेरे दोस्तों फोर्थ क्या आया फोर्थ आता है कि आपकी छत सलामत रहे छत का मतलब क्या हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़ हो गया और भाई आपकी छत सलामत रहे मतलब बिलाई और बिलाई कहां पर है दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर है बिलाई और दोस्तों जैसे ही हमने कहा तो जमशेद भाई टाटा ने क्या करा कि मैं आपको केले की डिश बनाऊंगा किसकी डिश बनाऊंगा केले की डिश बनाऊंगा तो ध्यान रखना राउर केला कहां पर है ओडिशा के अंदर है राउर केला यह है दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण आयरन स्टील प्लांट कौन है महत्वपूर्ण आयरन स्टील प्लांट तो अब मुझे आप बताइए कि आपको हां ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई और जो मैंने आपको पॉइंट समझाए यह आपको पता लगे या नहीं लगे तो दोस्तों बताइए टेक्निकल टीम कमेंट दिखाइए मुझे हाँ बताइए मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि आपको लग रहा है क्या बिल्कुल बताइए है ना बिलाई रूस की सहायता से बनाया गया बिल्कुल सही बात है ना जो बिलाई है और बोकारो है बोकारो भी किसकी सहायता से बना दोस्तों रूस की सहायता से बना बोकारो बिलाई भी किसकी सहायता से बना रूस की सहायता से बना बिलाई और याद रखना राउर केला ये जर्मनी की सहायता से बना किससे बना दोस्तों जर्मनी की सहायता से बना कौन सा राउर केला तो बताइए दोस्तों कुछ समझ आया या नहीं आया हाँ किन किन देशों की सहायता बता दिया जयराम जी लिख दिया है मैंने है ना जयराम जी लिख दिया है बिल्कुल हाँ बताइए लग रहा है कि हां अब तो स्टैटिक वाला पोर्शन भी धज्जियां गाड़ कर आएंगे दोस्तों स्टैटिक वाला पोर्शन हम धीरे धीरे इसी प्रकार क्या करेंगे हाँ धीरे धीरे इसी प्रकार जो आपकी पूरा स्टैटिक पोर्शन है जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं देखिए ये एक सवाल फिक्स है इसमें से आना एक सवाल क्या है फिक्स है इसके अंदर आएगा ही आएगा तो हम क्यों ना इस प्रकार तैयारी करें कि जो सवाल आने वाले हैं उन सवालों पर ध्यान दे तो मेरे दोस्तों इसी के लिए एक नई सीरीज गुरु मंत्र स्टार्ट किया गया है और मुझे उम्मीद है कि गुरु मंत्र आपके बिल्कुल काम आएगा गायत्री मंत्र के बाद में और किसके बाद में हां मूल मंत्र के बाद में तमिलनाडु में कौन सा है सेलम है कौन सा है सेलम है कहां पर तमिलनाडु के अंदर तो सेलम कहां पर है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है सेलम स्थान ध्यान रखना वहीं पर क्या लगा हुआ है वहीं पर आयरन स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है तो याद रखना दोस्तों सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा सवाल रह गया था हम उसकी ओर जाते हैं लेकिन आप सभी के लिए काम है दोस्तों आप सभी के लिए काम है कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है जो जितना घुसेगा वो उतना चमकेगा मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बार बार याद कराने के लिए कम चीजें पढ़ो लेकिन पढ़ो ऐसा कि वो क्या हो जाए आपको याद हो जाए दोस्तों वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े चिंता मत कीजिए इस क्लास की यही सबसे बड़ी खास बात होगी कि मैं आपको यहीं पर पांच बार रिवीजन कराऊंगा जिससे वो आपके दिमाग और दिल के अंदर उतर जाएगा दोस्तों तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी क्लास में अभी और मैटर बचा हुआ है तो हम तो इसके बाद हम लेंगे क्या नेशनल पार्क क्या लेंगे तो कल का टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रीय उद्यान और मेरे प्यारे दोस्तों जो गायत्री मंत्र था ना उस गायत्री मंत्र को कल पूरा कर देंगे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों इन्हें हम एक मैप के अंदर बना लेंगे और ये एक मैप आपको एक नंबर जरूर दिलाकर के जाएगा याद रखना इसी प्रकार धीरे धीरे इसी प्रकार टाइगर रिजर्व ले लेंगे दोस्तों और धीरे धीरे पॉलिटी का कोई टॉपिक ले लेंगे उससे होगा क्या उससे एक तो विविधता बनी रहेगी और साथ में आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं रिवीजन और देखिए मेरे दोस्तों यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त पूर्वोत्तर सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 गुवाहाटी में संपन्न भारतीय तटरक्षक बल के अपटीय निगरानी पोत आई एस, वरद का जलावतरण भारतीय स्कूलों में शुरू होगी कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालियां अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों के लिए क्षमता सृजन कार्यक्रम तथा तो 1000 जल स्रोत कार्यक्रम लॉन्च प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष में अस्सी हजार सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की जाएगी हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी जल्द ही भारत के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में उभरेगा और असिम्टोमेटिक मलेरिया के लिए निदान पर जल्द ही मिल सकती है सफलता क्या दोस्तों जल्द ही मिल सकती है सफलता सर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप दोबारा पूछिए मोहन चौधरी जी आपका क्या सवाल है ना आप दोबारा पूछ लीजिए मोहन चौधरी जी आपका क्या सवाल है देखिए कल का फूल पत्ती वाला सवाल क्या है बोकारो लोह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है और मेरे दोस्तों अब तो गुरु मंत्र मिल चुका है और जैसे ही गुरु मंत्र मिला तो उसके बाद तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं और कहाँ पर होगा झारखंड में होगा याद कीजिए गुरु मंत्र को रिवाइज कीजिए दोस्तों बोकारो झारखंड के अंदर है दुर्गापुरा है दोस्तों दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल के अंदर है और याद कीजिए दोस्तों सेलम तमिलनाडु के अंदर है और भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है और मेरे प्यारे साथियों राउर जर्मनी के अंदर राउर ओडिशा के अंदर है राउर और जमशेदनाथ जमशेदपुर कहां पर है झारखंड के अंदर है अब तो आपके लिए क्या है हाँ अब तो आपके लिए चुटकियों की बात हो गई है क्या दोस्तों लोह इस्पात संयंत्र आने दो एग्जाम में हम भी तैयार हैं अपने कारतूस भर करके दोस्तों तो आइए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फूल पत्ती वाला सवाल मेडागास्कर द्वीप कहा स्थित है मेढा गास्कर द्वीप कहा स्थित है ए हिंद महासागर बी प्रशांत महासागर सी आर्कटिक महासागर और डी दक्षिणी महासागर मेरे दोस्तों अभी अभी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर इससे रिलेटिव अभी क्वेश्चन आया है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है और मेरे प्यारे साथियों मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर नेशनल पार्क तो हमें याद हो गए मैं कल आपको नेशनल पार्क इस तरह बताऊंगा कि पंद्रह मिनट के अंदर आराम से कि कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है जैसे काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और दोस्तों जो गिर नेशनल पार्क है वो टाइगर के लिए फेमस है तो इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा इससे आपको और सहायता मिलेगी और जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूं ना आप उसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए मेरे प्यारे दोस्तों ना चिंता मत कीजिए हमारी क्लास आप और हम बिल्कुल यहीं पर रहेंगे और हम धीरे धीरे सभी चीजें कवर कर लेंगे बस अगर आपको ये पसंद आया हो गुरु मंत्र तो दोस्तों लाइक जरूर करना जिससे मुझे पता लगे कि आपको पसंद आया है और अपने जो सुझाव है वो मुझे जरूर क्या करना भेजना और जो टॉपिक आप चाहते हो किसके अंदर गुरु मंत्र के अंदर लाना वो सभी मुझे बता देना प्यारे दोस्तों मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा उन्हें लाने की लेकिन हर चीज में समय लगता है मेरे प्यारे दोस्तों देखिए टुडे जीएस क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन है संसदीय समितियों को समझाते हुए इनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको संसदीय समितियां तो बता दी है कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मंत्री शामिल नहीं होगा और साथ में मैंने आपको कुछ समितियां बताई थी जैसे प्राकलन समिति कौन सी थी प्राकलन समिति थी और लोक लेखा समिति थी अब हमारा सवाल क्या है हमारा सवाल एक कदम आगे बढ़ गया और वो सवाल क्या है कि इसकी उपयोगिता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों इसकी एक सबसे बड़ी उपयोगिता है बैक बैक बेंचर 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 कौन से दोस्तों आप समझने की कोशिश करना मेरी बात को इस बैक बेंचर का मतलब क्या होता है जो संसद के अंदर सबसे पीछे बैठते हैं कुछ नहीं बोलते वो लोग भी भागीदारी कर सके इसके लिए समितियां बना दी है और समिति बनाने के बाद उन्हें समिति में शामिल कर लिया है तो बैक बेंचर जो है दोस्तों बैक बेंच से भी अब्दुल कलाम जी निकल सकते हैं तो संसद के अंदर भी जो बैक बेंचर है उनका उपयोग हो सके इसीलिए प्यारे दोस्तों क्या किया गया है संसदीय समितियां बना दी दूसरा राज्यसभा का उपयोग हो सके किसका उपयोग हो सके दोस्तों राज्यसभा का उपयोग हो सके और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सोच के देखिए पांच लोग लोग 500 लोग एक संसद के अंदर बैठे हुए हैं और किसी बात पर निर्णय ले रहे हैं मैं आपको निश्चित कह रहा हूं कि निर्णय हो ही नहीं सकता हमें क्या करना पड़ेगा हमें 20-25 लोग बढ़िया लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उनसे कहना पड़ेगा कि आप निर्णय ले लीजिए तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना हाँ निर्णय अगर निर्णय अगर तीव्र गति से लेने हैं कैसे लेने हैं निर्णय अगर तीव्र गति से लेने हैं दोस्तों तो संसदीय समितियां जरूरी है लेकिन अब आपको बताना है एक चिंता का विषय और वो चिंता का विषय क्या है राज्यसभा के उपराष्ट्रपति ने कहा है राज्यसभा के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि में सांसद कितने सांसद दोस्तों पिचाण में सांसद तो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी समिति में भाग नहीं लिया कितने सांसद हैं दोस्तों 95 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने एक भी समिति में भाग नहीं लिया इसीलिए प्यारे दोस्तों ये हमारे लिए क्या है चिंता का विषय है कि 95 सांसद ने किसी भी समिति में भाग नहीं लिया हमें इसे दूर करना पड़ेगा और अनिवार्य बनाना पड़ेगा किसे कंपलसरी बनाना पड़ेगा किसमें संसदीय समितियों में भाग लेने को बस आप हंसते रहना मुस्कुराते रहना अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना और मेरे प्यारे दोस्तों हाँ खुद पर इतना विश्वास कीजिए कि आप मैं कह रहा हूँ फिर आपसे अगर कोई काम कर सकते हो तो वो केवल आप ही हो ध्यान रखना सफलता केवल और केवल आप पर निर्भर करती है अगर आपने मान लिया तो आपकी हार होगी और अगर आपने ठान लिया तो आपको जीतने से आपके पड़ोसी भी नहीं रोक सकते और हम क्या डिस्कस करेंगे कल हमारा टॉपिक होगा गुरु मंत्र का क्या दोस्तों नेशनल पार्क होगा कुछ नेशनल पार्क में आपको नए बताऊंगा जो अभी तक शामिल नहीं किए हमने और कुछ नेशनल पार्क की मैं खास विशेषता आपको बताने वाला हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके जो कमेंट्स होंगे वो मुझे बताएंगे कि आपको ये गुरु मंत्र आज का अच्छा लगा या नहीं लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना और अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक कर देना जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए बस आप हंसते रहना मुस्कुराते रहना और अपनी तैयारी को इसी प्रकार मजबूत करते रहना क्योंकि 2020 में हम जीतने के लिए आए थे और जीतकर ही वापस जाएंगे जय हिंद दोस्तों थैंक यू सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ अब पढ़ो कहीं भी कभी भी